गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? वेरी गुड। सेटल डाउन हो जाए। 16, जल्दी से बैठिए बच्चों। सिक्स, सेटल डाउन। सिक्स इज आल्सो ज्वाइनिंग और दैट सेक्शन इज आल्सो मर्ज। अपना वीडियो ऑन कीजिए बच्चों। तो 6 प्लीज चेक वेदर 6F इज ज्वाइनिंग और दे आर मर्ज। प्रेजेंट आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज चेक वेदर 6F इज गोइंग टू बी मर्ज इन अदर सेक्शन। ज्वाइनिंग वील डू सम क्वेश्चन, वील डू सम रिवीजन पार्ट। बच्चों जो हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? शैल आई आस्क सम क्वेश्चंस? बच्चों एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए मैं कुछ बच्चों को बुला लेता हूँ। बच्चे करणवीर फ्रॉम सेक्शन 8, हु इज करणवीर? प्लीज कम बेटा। यस करणवीर। व्हाट इज सक्सेसर ऑफ एन इंटीजर? व्हाट इज सक्सेसर? नियर टू योर माउथ। बच्चे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, माइक को अपने माउथ के पास लेके जाए आप। प्लीज कीप क्वाइट। सेक्शन डी एंड ई दे आर सपोज टू बी कीप क्वाइट। हाँ जी बच्चे बोलिए। हाँ जी बेटा सक्सेसर वो होता है बच्चे जब इंटीजर में हम वन ऐड कर देते हैं। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी निम्रत फ्रॉम 6F। ओके अश्नूर फ्रॉम 6E। अश्नूर इज शी देयर? ही और शी? ओके हाँ जी बच्चे। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर? व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? बोलो बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक ऑन करो। नहीं नहीं ऑफ है। ब्लू लाइट नहीं आती इसमें? नहीं बच्चे नहीं। नो मैम प्लीज चेक देयर मस्ट बी सम लूज वायरिंग और समथिंग। नहीं बच्चे नो। ओके इन द मेन टाइम अक्षित फ्रॉम 6B। सर यस हाँ जी बेटा व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर? सर साइन चेंज इनटू पॉजिटिव साइंस एग्जांपल देके बताएंगे बेटा एक। सर लाइक -3 एंड चेंज इनटू 3 वेरी गुड। -3 प्लीज सिट डाउन बेटा। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज +3 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। सो यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन। इज दिस क्लियर? नाउ कम्स
रवनीत फ्रॉम 6C। रवनीत प्लीज कम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। या टेल मी व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। पॉजिटिव। सर द पॉजिटिव टर्म, इफ देयर इज -3 देन इट बिकम +3, ओके एंड इफ इट इज +3 देन इट बिकम्स। सर +3। वेरी गुड प्लीज सिट डाउन। हाँ जी चलिए बच्चों, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं असाइनमेंट। बेटा अभी तक जो हमने असाइनमेंट किया है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोगों को? एनीथिंग नॉट क्लियर? वी हैव रीच्ड ऑन मॉड्यूल 3। हैव वी डन द फर्स्ट क्वेश्चन? Yes. यस। सो विल स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग द नंबर लाइन पुट ग्रेटर देन इक्वल और लेस साइन इन द सर्कल। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन इज -1, सर्कल बना हुआ बीच में 0, सो व्हाट साइन वी शैल पुट हियर? यस, नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ करना है। देखिए नंबर लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द 0 मार्क। इज इट क्लियर? नाउ टेल मी -1 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड? यस प्लीज टेल मी स्टूडेंट्स। सर लेफ्ट। अच्छा अगर ये लेफ्ट पे है तो ये ग्रेटर है स्मॉलर है? तो कौन सा साइन आएगा? स्मॉलर देन -1 इज लेस देन 0। जीरो इज क्लियर? सर। यस अब मेरे पास आ जाए। हाँ जी, गुरसीरत फ्रॉम 6C। गुरसीरत असाइनमेंट लेके आना बेटा अपनी। हाँ जी बच्चे, प्लीज एक्सप्लेन मी द सेकंड थर्ड पार्ट, बी एंड सी पार्ट। -4 डैश -5। -4 इज ग्रेटर। -4 इज ग्रेटर। व्हाई इट इज ग्रेटर? इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, हाउ विल यू डू इट? प्लीज टेल मी। ये -5 है तो -4 लेफ्ट पे आएगा राइट पे आएगा? वेरी गुड, देयर विल बी -4, सो देयरफॉर -4, दिस इज रिटन -4 एंड इट इज -5, सो -4 विल बी नेक्स्ट। ग्रेटर। P1 बेटा 0 इज टू इज ग्रेटर। ग्रेटर। अच्छा देखिए इसको ना रीड करने का तरीका होता है, द वे टू रीड इट इज, यहाँ पे आपको पहले 0 लिखा हुआ है तो व्हाट डू यू, यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं आएगा, लेस देन वाला आएगा, बिकॉज 0 इज लेस देन 2। व्हेन यू आर रीडिंग इट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, सो यू हैव टू रीड इट लाइक 0 इज लेस देन 2। नेक्स्ट डैश माइनस, यहाँ पे कोई माइनस नंबर है राइट? नेगेटिव डैश 4, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बच्चे? नंबर फोर इज ग्रेटर। देखिए तो ग्रेटर का साइन इधर आएगा, ये वाला राइट? सर बच्चों क्लियर है सारा? क्लियर? यस राइट। नेक्स्ट इज द बच्चे वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम। शोभा गेन्ड रुपीज 4500, 4500 फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स एंड लूजेस रुपीज 20,000 इन प्रॉपर्टी। फाइंड हर फाइनल गेन और लॉस। राइट देखिए बेटा, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो रही है। गेन, गेन को हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हो नेगेटिव लेते हो? पॉजिटिव और लॉस को? नेगेटिव। वेरी गुड, तो पॉजिटिव कितना है बेटा? 40 5 5 लॉस 20,000 बेटा, टोटल गेन और लॉस। हाँ जी बच्चों प्लीज कैलकुलेट।
व्हाट विल बी द टोटल गेन और लॉस, जिस बच्चे को बुलाया जाएगा वही आंसर करेगा। हाँ जी, एकम फ्रॉम 6D। हाँ जी बच्चे, हैव यू डन? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा, माइक ऑन कीजिए पहले तो। नो आई कांट हियर यू, व्हाट इज द इश्यू विद ऑल द माइक्स? प्लीज चेक आउट, टीचर प्रेजेंट, प्लीज चेक व्हाट इज द इश्यू विद द माइक। हाँ जी बच्चे, आवाज नहीं क्लियर है बेटा। नो, हल्की सी आई थी अभी आवाज, बट क्लियर नहीं थी। हाँ बोलिए। हाँ बोलो बोलो बेटा। अरे बेटा, इतनी देर लगाओगे क्या? एकम, अरे हाँ जी, कितना बेटा? 15,500 प्लस और माइनस? माइनस, वेरी गुड। सो बच्चे देखिए, सो यहाँ पे दो टर्म्स है बच्चे, टू इंटीजर्स विद अपोजिट साइन। सो व्हाट विल डू, विल सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द ग्रेटर वन एंड पुट द साइन ऑफ ग्रेटर वन। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये व्हाट 3,000। विल बी द आंसर? आप जब लास्ट में आंसर लिखेंगे क्या होगा? क्या नाम है? शोभा। शोभा, अब यहाँ पे वर्ड आपके लिए क्या लिखा जाए? शोभा लॉस्ट रुपीज 15,500 तो इन बोथ ट्रांजेक्शंस, राइट? दिस क्लियर? तो यू हैव, वेन एवर यू आर डूइंग द बच्चे वर्ड प्रॉब्लम, लास्ट में आंसर को कंक्लूड जरूर करना है, राइट? यहां तक छोड़ दिया आपको तो लास्ट का एक नंबर आपका कट जाएगा। सो प्लीज राइट इन वर्ड कि इन टोटल शी गॉट द लॉस ऑफ रुपीज 15,500। इज दिस क्लियर? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द प्लेस इज 59 मीटर अबव द सी लेवल एंड अनदर इज 53 मीटर बिलो द सी लेवल। सबसे पहले डायग्राम बना रहे हैं बच्चों, डायग्राम बना दिया। लेट्स से दिस इज सी लेवल, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? प्लेस Yes. इज 59 मीटर अबव द सी लेवल। अबव को जो है हम ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा प्लस साइन के साथ, इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? एंड अनदर इज 43 मीटर बिलो द सी लेवल, इज 43 मीटर बिलो, इज इट क्लियर? फाइंड द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू प्लेसेस, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, हाउ मच डिफरेंस इज देयर बिटवीन द टू प्लेसेस, राइट? चलिए जी, एकम प्रीत फ्रॉम 6F प्रेजेंट, 6F। हाँ जी, आ जाइए बेटा। एकम प्रीत फ्रॉम 6F छोड़ दे। हाँ जी, परमवीर फ्रॉम 6D, परमवीर प्लीज टेल मी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस हाँ जी, प्लस।
प्लस करना है बेटा? अच्छा देखिए, अगर हम बोल रहे हैं इसको प्लस करना है, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस 59 प्लस ये दो नंबर है, इन दोनों को प्लस करना है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, यस और नो? हाँ जी नो, फिर बताइए क्या करना है। देखिए आपने बोला कि दोनों को प्लस करना है, प्लस का मतलब तो यही हुआ ना बेटा, हमें प्लस नहीं करना, हमें डिफरेंस लेना है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, राइट? सो स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -43 फ्रॉम 59। कितना आंसर आएगा इसको बच्चे सॉल्व करके? माइनस प्लस हो जाएगा, इज इट क्लियर? हाउ मच इट बिकम्स? बात करें बेटा आपकी। हाँ जी नोटरी से डाउन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एनी बताइए, 6B से बताइए बच्चे। सब प्लस प्लस 16 +16 प्लस -16 16 -16 और कुछ? आप ये -16 देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं माइनस साइन नजर आ रहा है आप लोगों को बेटा? हाँ जी, व्हाई 102 नॉट इट विल बी 102? यू पीपल आर सेइंग +16 -16, हाउ कम? बच्चे वी हैव टू इंटीजर्स विद सेम साइन, बोथ आर पॉजिटिव, सो विल ऐड देम एंड पुट द कॉमन साइन, इज इट क्लियर? इट विल बिकम 102 मीटर, राइट बच्चों? टीचर माई प्रॉब्लम इज रिजॉल्व इन सेक्शन ई और नॉट? आई थिंक स्टिल नॉट वर्किंग। एनी वे चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई? यस आप ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। हाँ जी कौन बताएगा? सेक्शन ई, ई से आ जाए। भवनीत, बसंत, इज देयर बसंत? बसंत और बेअंत आई थिंक, व्हाट यू हैव रिटन? यस बच्चे डू यू हैव द असाइनमेंट? यस हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट? वेरी +2000 मीटर गुड, वेरी गुड बच्चों, एनीथिंग अबव द ग्राउंड इट विल बी पॉजिटिव, सो तो ए पार्ट विल बी प्लस 2000 मीटर, बी पार्ट लॉस दिस सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। -800 मीटर वेरी गुड बेटा, एनीथिंग बिलो द सी लेवल इज नेगेटिव, थर्ड पार्ट इज विड्रॉल सॉरी ए डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिपॉजिट इज पॉजिटिव बेटा, सो दिस विल बी प्लस ₹200। फोर्थ वन विड्रॉल ऑफ ₹700 -700 माइनस, राइट? इज दिस क्लियर बच्चों? डाउन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ, हाँ जी गुरसीरत फ्रॉम 6C इज देयर? गुरसीरत या
प्लीज कम बेटा, आ जाओ बच्चे, आ जाओ, पूछना नहीं है मेरे से, पूछ लेना जो पूछना हो। टेक माई हेल्प, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है ना? हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन, सॉरी सिक्स वन, राइट द अपोजिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹750। ₹750। वेरी गुड बेटा, लॉस ऑफ ₹750। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ₹250। ₹250। वेरी गुड, सी 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। 5 किलोमीटर, टुवर्ड्स साउथ, देखिए किलोमीटर बच्चों, देखिए टुवर्ड साउथ। अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे ये होती है जी, इफ इट इज गोइंग अप देन साउथ मिल डाउन, इज इट क्लियर? ठीक है, व्हेन इट इज गिवन 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ देन इट मीन्स 5 किलोमीटर, अपोजिट मीन्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, दी 5 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट, 5 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट यू पीपल? हाँ जी बच्चों, पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो, प्लीज रेज योर हैंड। हैंड अच्छा नजर आ रहा है मुझे, सिक्स ए से आ रहा है, सिक्स ए वाला बच्चा बताइए जरा आगे क्या होता है। रेड शर्ट, आ जा बेटा आ जा, सिक्स ए, हाँ जी बताइए, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? बच्चे देखिए, आप फ्रिज के अंदर आइस करते हो ना, पानी डालते हो, आइस बन जाती है, व्हाई इट बिकम्स इनटू आइस? बिकॉज द टेम्परेचर रिड्यूस देयर, ठंडा कर देते हैं ना वहां पे हम, ठंडा मतलब टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, तो व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस। जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे लो हो जाता है तो आइस इट स्टार्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री, इज इट क्लियर? सो फ्रीजिंग का रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा? मेल्टिंग, यस और नो? तो अब आप यहाँ पे बोला गया बेटा 5 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 5 डिग्री बिलो हेलो, फ्रीजिंग पॉइंट, इज इट क्लियर? 0 डिग्री इज इट क्लियर? अबव इट इज प्लस पॉइंट, बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 5 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। प्लीज सिट डाउन बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन बेटा, सिक्स की प्लीज सेट इट डाउन स्टूडेंट्स, पास। हाँ जी, सेवंथ क्वेश्चन बच्चे, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। आपको बच्चे एक लाइन नजर आ रही है साइड में, दो फिगर्स नजर आ रही है, एक में तो आपको डायरेक्शंस दिखाई हुई है, एक उसके नीचे साथ वाली फिगर है, इट इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। ये देखिए बच्चे, आपके पास एक वर्टिकल नंबर लाइन बनी हुई है, राइट? एंड इन दिस नंबर लाइन देर आर सम पॉइंट, दिस पॉइंट इज जीरो, हिलाता पॉइंट ए बी सी डी एफ जी एच, इज इस क्लियर? कैन यू सी द पॉइंट्स बच्चों? सी व्हाट इज द पॉइंट एट डी? प्लस 8 प्लस एट, और कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा। नो अब आपको करना क्या है बच्चे, जी ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स,
बच्चों, बच्चों सेक्शन डी, आई कैन हियर सम साउंड्स। हाँ जी बच्चों, ध्यान से समझना क्वेश्चन। इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। हाँ जी रवनीत फ्रॉम 6C, रवनीत प्लीज आ जाइएगा। असाइनमेंट ले आए बेटा आपने? हाँ जी, हाँ जी बेटा यस बताइए, -8 कौन सा पॉइंट है बेटा? पॉइंट सर, एफ पॉइंट आ रहा है -8। सही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वेरी गुड बेटा, एफ इज -8। प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट कम्स जस्ट करण फ्रॉम 6B। जस्ट करण, यस। बेटा क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? नेगेटिव जी इज नेगेटिव। व्हाई यू कम टू नो दिस? इट इज नेगेटिव बेटा। कैसे पता चला आपको कि ये नेगेटिव है? हाँ जी बच्चे, साथ वाले बच्चे ने बताया था, कोई और रीजन है? हाउ यू कम टू नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सिट डाउन। हाँ जी नेक्स्ट कम्स करम करणवीर फ्रॉम 6A। करणवीर, हाँ जी बेटा, जी इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव इंटीजर? पॉजिटिव इसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर बेटा, माइक हाथ में ले लो आप। पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे पता चला बेटा पॉजिटिव है? इतनी देर से आप गप्पे मार रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, है ना? और जब क्वेश्चन पूछा तो आपने क्वेश्चन भी गलत बताया। आपको कुछ नहीं, डोंट लाफ, पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ जी यस, व्हाई इट इज पॉजिटिव बच्चे? इफ इट इज ए वर्टिकल लाइन, अबव 0 द नंबर आर पॉजिटिव, बिलो 0 द नंबर आर, तो नेगेटिव जी इज बिलो द जीरो मार्क, तो जी नेगेटिव इज हेयर, सो इट विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। नाउ टेल मी व्हाट इज द नंबर जी, जल्दी से बताओ जरा कैलकुलेट करके क्या है जी। देखिए एफ -8 है, अगर यहां से हम पॉइंट इंक्रीज करना शुरू करें, दिस इज -7 एंड जी विल बी ही इज -6। यस यस और नो? आ यस जाए बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। अक्षित, यस यस राइट इंटीजर्स फॉर द पॉइंट बी एंड ई। बी कितना नंबर है बताइए जरा कैलकुलेट करके, व्हाट इज बी? हाँ जी, व्हाट इज बी? सर +4 +4। यस बच्चे, वाई +4, वाई +4। सर बिकॉज इट इज 4 पॉइंट अबव द 0 मार्क, दिस इज 0, 1 2 3 4, दिस इज पॉइंट बी। व्हाट इज द पॉइंट ई? यस टेल मी, सर व्हाट इज पॉइंट ई? -8 -8 तो बेटा एफ है, माइनस बिलो टू पॉइंट माइनस 10।
वेरी गुड, सो ई इज -10 बिकॉज इट इज 2 पॉइंट बिलो द -8 पॉइंट. नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट इज विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, बताइए जरा बच्चे विच पॉइंट हैज द लीस्ट वैल्यू. सब माइनस -10 दैट इज पॉइंट ई, सो ई हैज द लीस्ट वैल्यू. राइट, नेक्स्ट डी पॉइंट. अच्छा ये तो हो गया ना डी. ई अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू. हाँ जी ऑल द पॉइंट्स एज डिक्रीजिंग वैल्यू. हाँ जी व्हाट इज बी? सर, बी बेटा सर बेटा फोर, डी 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 फॉर दिल्ली. ओके सर, डी सर प्लस एट, That's it. उसके बाद आ जाता है सी. व्हाट इज द पॉइंट सी? सर प्लस फाइव, गुड. व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? प्लस सर फोर. उसके बाद ए कितना है बेटा? प्लस ए इज प्लस टू. फोर, देन एच इज सो यस -2. -2. वेरी गुड. एंड देन एच के बाद क्या है? जी. व्हाट इज जी? सर -6, -6. ठीक है. देन इज एफ -8 एंड ई -10. बच्चे सर ऑर्डर में लिखे हुए ना, टॉप टू बॉटम आते जाइए. और ए की वैल्यू क्या है? स्टार्ट सर +2, बी से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम. ओके सर, बी इज द ग्रेटर वन. बी सही है सी बी ए एच जी एफ. सर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. प्लीज सिट डाउन बेटा. सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस दिस क्वेश्चन वाज ए बिट ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था. किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर है प्लीज कैन आस्क द क्वेश्चंस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में काफी आता है एंड बिट डिफिकल्ट आल्सो. एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट कैन आस्क द क्वेश्चंस. अभी डाउट नहीं होंगे, जब मैंने क्वेश्चन पूछने फिर डाउट्स आएंगे, है ना? क्यों बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट. मीन्स आपको बताना है कि वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स यू हैव टू करेक्ट इट. हाँ जी कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड. कौन आएगा बच्चे वॉलेंटियर? फिर मैं नाम से बुलाऊं या अपने आप आ रहे हैं? चलिए मुझे ना एक बच्चा नजर आ रहा है 6B में, सेंटर वाली लाइन में पीछे से बैक से थर्ड बेंच पे रेड शर्ट, जो पीछे देख रहा है ना रेड शर्ट वाला बच्चा. हाँ जी आप आ जाइए. असाइनमेंट लेके आए बेटा आपने? हाँ जी माइक ले ले हाथ में बेटा. यस स्टार्ट द क्वेश्चन 8A. -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन ए नंबर लाइन. दिस इज ट्रू और फॉल्स? -8 इज ऑन द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन. इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ जी कैसे ट्रू है बेटा ये? -8 बिगर, -8 बिगर है -10 से? यस वेरी गुड. सेकंड पार्ट, -8 बच्चों ग्रेटर होता है ना -10 से, हेंस इट विल बी ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट बी. बी बेटा -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन.
फॉल्स। वाई? सर बिकॉज -100 इज स्मॉलर देन -50। करेक्ट कीजिए बेटा इसको। -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन आर नंबर लाइन। वेरी गुड बेटा, आप ये भी कर सकते हो। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप? -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। ठीक है, करने ओके के दो वेज हैं बच्चे, या तो आप नंबर को इंटरचेंज कर दें या राइट जगह पे लेफ्ट कर दें। इज इट क्लियर? यस नेक्स्ट सी पार्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। फॉल्स। फॉल्स इसको करेक्शन कीजिए बेटा। स्मॉलेस्ट हाँ जी, बिगेस्ट बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नेगेटिव इंटीजर इज -1। देखिए बच्चे, जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है दैट इज -1, बिकॉज नेगेटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम -1 ओनली। दिस इज क्लियर? क्योंकि अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों, दिस इज 0, सो फर्स्ट नेगेटिव नंबर इज -1, राइट? एंड आफ्टर दैट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर, सो इट इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। सेक्शन एफ, वेलकम। हाँ जी बेटा, वी आर डूइंग द असाइनमेंट मॉड्यूल 3, जो सबसे लास्ट वाला पेज है बच्चों, एंड क्वेश्चन 8 सी पार्ट अभी हमने किया है। प्लीज ओपन योर असाइनमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ मॉड्यूल 3, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल लास्ट वाला पेज है, जो बिल्कुल लास्ट पेज पे आ जाइए बच्चों। मॉड्यूल 3 क्वेश्चन नंबर 8 सी पार्ट वी आर डूइंग। सी पार्ट वी हैव डन, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, सो वी हैव टू टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड वी वर सपोज टू करेक्ट इट। सो करेक्शन करके कितना आया बच्चे? ये करेक्शन करके आ गया ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। दिस इज क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट बताइए लास्ट पार्ट बेटा। -26 इज ग्रेटर देन -25। फॉल्स और कैसे करेक्ट करेंगे इसको? वेरी -25 इज ग्रेटर देन -26। गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन। हाँ जी स्टूडेंट, सो वी हैव फिनिश्ड टिल क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस -10। प्लीज डू इट बच्चों, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज डू द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मॉड्यूल 3। -8 माइनस -10, और जिस बच्चे को मैं बुलाऊंगा वही आंसर करेगा बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। सर 6F ने अभी क्लास ज्वाइन की है, सो हमें पहले वाले क्वेश्चन बता दो सर। बता दूं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन बताऊं? बताइए जरा, सारे बताने हैं बेटा? यस वी हैव ओनली 5-7 मिनट्स। जो इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को, ओके सर। जो सबसे एक इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। जस्ट आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन नंबर 7 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज यू कैन वंस अगेन लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू लुक, एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, राइट बच्चों? देर इज ए नंबर लाइन गिवन टू यू इन विच राइट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स फ्रॉम ए टू एच, राइट? सो दिस इज द 0 मार्क। राइट, तो दिस वे नंबर्स आर देयर।
राइट बच्चों, सो दिस इज द डी पॉइंट एंड इट्स वैल्यू इज प्लस 8। इट इज गिवन बच्चे, इज दिस गिवन, दिस इज द जीरो मार्क, दिस इज पॉइंट ए, देन दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। दिस इज क्लियर बच्चों, कैन यू सी द पॉइंट्स, यस और नो? सिक्स एफ, इज इट क्लियर बच्चे? आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, सिक्स एफ, प्लीज रिस्पॉन्ड वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट। बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे प्लस 8 गिवन है, दिस इज जीरो मार्क, वी नो दैट अबव जीरो देर आर पॉजिटिव इंटीजर एंड बिलो जीरो देर आर नेगेटिव इंटीजर्स, इज इट करेक्ट? इफ दिस इज प्लस 8 देन यू हैव टू कम रिड्यूसिंग द नंबर्स, या तो आप यहाँ ऊपर से शुरू करें, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दिस इज जीरो, दिस विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इज दिस क्लियर? यस और नो? ओनली यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, नाउ टेल मी व्हाट इज द पॉइंट ए, व्हाट इज पॉइंट बी, प्लस 4, एंड व्हाट इज पॉइंट सी, प्लस 5, देन इज डी इज प्लस 8, नाउ कम्स बिलो जीरो मार्क, पॉइंट एच, -1, -2, तो एच विल बी -2, देन इज जी, व्हाट विल बी जी, हाँ जी व्हाट विल बी जी, सर -6, -6, वेरी गुड, व्हाट विल बी ई, -7, अच्छा ई एफ है पहले बेटा, व्हाट विल बी एफ, -8, व्हाट विल बी ई, सर -10, सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास बच्चों, यस। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ पॉइंट डी इज प्लस 8 देन विच पॉइंट इज -8, विच पॉइंट इज -8, पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, जी पॉइंट, इफ इज पॉइंट जी ए नेगेटिव और पॉजिटिव, बट ए जी जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव, बट राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड ई, व्हाट इज बी, प्लस 4 नहीं है बेटा, ये तो प्लस 4 है बेटा, मुझे तो प्लस 4 नजर आ रहा है, नेगेटिव किसने बोला, नेगेटिव बोल रहे थे बच्चे, नेगेटिव है अभी, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मुझे अभी, व्हाट इज ई, ई इज माइनस, राइट, Then D part, which point marked on this number line has the least value? Point E. Right? Part and D part will be point E. This is clear, bachon. Next is E part. Arrange all the points in the decreasing order of value. जब आपको decreasing लेना है तो ऊपर से नीचे आ जाओगे. C B A H G F E. Is this clear? Yes or no? Yes. Without beta? No. And F, is it clear? Yes. Any other question, bachcho, you want me to explain section F, please tell me. Section F, go through the assignment and tell me any other question you want me to repeat.
हाँ जी बच्चों, क्लियर है? सिक्स एफ ऑल द क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है आई शैल रिपीट, प्लीज टेल मी। चलिए हम चलते हैं फिर आगे। वी वर डूइंग नाइन्थ क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर नाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 माइनस -10, मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -10 फ्रॉम -8, राइट बच्चों? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -10, हाउ विल यू सॉल्व इट? हाँ जी निम्र फ्रॉम सेक्शन 6F। अच्छा निम्र आ गई है, बताइए बेटा। आ जाओ जल्दी आ जाओ, इतनी देर क्यों लग रही है बच्चे? यस टेल मी, यस सर। हाँ प्लीज सॉल्व दिस -8 -10। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। वी हैव टू -10 एंड 8 हाँ जी आंसर बताइए क्या आएगा इसका? -2। सर, -2। इज शी करेक्ट बच्चों? सर हाउ मेनी सेज शी इज करेक्ट, प्लीज रेज योर हैंड ऑल अदर सेक्शंस। हाउ मेनी सेज शी इज करेक्ट? अच्छा नोबडी इज सपोर्टिंग यू, एवरीवन इज सेइंग शी इज इनकरेक्ट। बैठ जाइए बेटा। एकम प्रीत, सिक्स एफ में एकम प्रीत प्लीज कम बच्चे। हाँ जी बच्चे, इंटीजर्स आते हैं समझ? कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको? इसमें आंसर आएगा सर, इसमें आंसर -2 है, +2 है सॉरी। एक्सप्लेन करोगे मुझे जरा? सर जो माइनस रहेगा वो -8 ही रहेगा, और जो -10 है ना वो +10 बन जाएगा, और फिर -++ हो जाएगा, और फिर +2 आ जाएगा क्योंकि 10+ है, वो बड़ी बड़ी वैल्यू है। तुम तो रेल चला दिया, मेरे को समझ नहीं आया इतनी फास्ट बोला तुमने। ये +8 कैसे हो गया? -8 था ये तो। हाँ सर अभी अभी जो इसका आंसर 2 आएगा, अभी प्लस अभी जो 10 है वो बड़ा है ना, वो प्लस वाला है, जो बड़ी वैल्यू उसका उसके आगे आ जाएगा, +2 आएगा इसका आंसर। रहा हूँ बेटा, वो नहीं आप बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ ये तो -10 था, ये +10 कैसे हुआ? सर जो -8 के बाद एक माइनस है ना, वो +10 के माइनस के साथ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा अब आगे क्या करना है? हाँ सर अब आगे बे माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 8 -10 2 आ जाएगा, और 10 के आगे प्लस है वो बड़ी वैल्यू, तो उसका +2 हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास दो इंटीजर है, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। तो व्हाट वी डू, हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ग्रेटर में से स्मॉलर को। सो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 2। और 10 का जो साइन था वो पॉजिटिव साइन था, तो क्या बन गया आंसर? +2। इज दिस क्लियर? यस और नो? चलिए यस क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। एक्सक्यूज मी सर, सर फर्स्ट पीरियड स्टार्टेड। ओके 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 बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स फॉर योर सपोर्ट।